सो अब हम इंटीग्रल को ट्रांसफर करके फ्रॉम द एक्स डोमेन टू द जेड डोमेन, तो यहां पे हमारे पास जो था इंटीग्रल e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, तो ये जो पूरा पार्ट है ये यहां पे हम लोग को dz के फॉर्म में मिल गया है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल, ये पूरा पार्ट जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा dz डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को हमने लिया था z, तो यहां पे बन जाएगा z। Now we know that integral 1 by x dx is log x, so integral 1 by z dz is log z, तो ये हो जाएगा log z plus c, and z हमने लिया था e to the power x plus e to the power minus x को, तो ये बन जाएगा log of e to the power x plus e to the power minus x plus c, and this is the answer. सो अगेन ये क्वेश्चन भी पिछले वाले के जैसा ही है, और यहां पे हम डायरेक्टली e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को ले लेंगे एज z। सो स्टार्ट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, देन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो z dz dx हो जाएगा d dx ऑफ e टू द पावर 2x प्लस d dx ऑफ e to the power minus 2x। Now ddx of e to the power 2x यहाँ पे हमको मिलेगा 2 e to the power 2x because यहाँ पे chain rule follow होगा, ddx of e to the power 2x पहले तो e to the power 2x होगा ही, और उसके साथ साथ क्योंकि x के जगह पे कोई और expression था यानी कि 2x, तो हमको उसको भी चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड ddx ऑफ 2x से हमको मिलेगा 2, सो इसका आंसर होगा 2 e टू द पावर 2x। सिमिलरली ddx ऑफ e टू द पावर माइनस 2x का आंसर होगा माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा 2 टेकिंग कॉमन e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। नाउ dz dx इक्वल टू दिस, इसका मतलब कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इस साइड आ जाएगा, so dz is equal to 2 into e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx। इसी चीज का फायदा उठा करके हम अब इस इंटीग्रल को x डोमेन से z डोमेन में ले जाएंगे, so यहां पे यह बन जाएगा जो न्यूमरेटर है यानी कि e to the power 2x minus e to the power minus 2x, उसके साथ अगर एक 2 लगा दिया जाए, dx ऑलरेडी है तो ये पूरा एक्सप्रेशन dz बन जाएगा, तो यहां पे एक 2 हम लगा देंगे, उसके बदले में हमको एक 2 डिवाइड में भी देना पड़ेगा बिकॉज पहले कोई 2 वहां पे था नहीं, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो डिवाइड में भी हमको लेना पड़ेगा, और उस 2 को हम डायरेक्टली बाहर भी ले ले रहे हैं, इसलिए यहां पे हाफ हो जा रहा है। सो हाफ इंटीग्रल 2 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x dx डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। So this becomes half integral, पूरा का पूरा जो numerator है वो बन जाएगा dz, and जो denominator है उसको हमने लिया था as z,
सो अगेन यहां पे मिल जाएगा हाफ इंटीग्रल डी जेड बाई जेड, सो हाफ लॉग जेड प्लस सी, सो हाफ लॉग जेड हमने लिया था e टू द पावर टू एक्स प्लस e टू द पावर माइनस टू एक्स को, सो e पावर टू एक्स प्लस e पावर माइनस टू एक्स प्लस सी, ये है हमारा फाइंडिंग।